हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो ये सबके प्रभु सर्वथा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ के वाचन अध्याय 1 पद संख्या 5 से 8 तक। ईश्वर आपको आशीष दे। यर्दन के उस पर मोआब के प्रदेश में मूसा ने यह कहते हुए सिंहता प्रस्तुत की, महंदी फरत तक निवास करते हैं। देखो यह देश तुम्हारे सामने है, तुम उधर जाओ और इस देश को अपने अधिकार में ले लो। इसके बारे में प्रभु ने शपथ पूर्वक वचन दिया था कि वह इसे तुम्हारे पूर्वजों को इब्राहिम इसहाक याकूब और उनके बाद उनके वंशजों को दे देगा। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, इसाया का ग्रंथ से वाचन अध्याय 1 पद संख्या 1-9 तक। गुरुवार आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। यूदा और यरूशलेम के विषय में, यूदा के राजा उज्जिया, योताप, अहाज और हिजकिया के दिनों में आमोस के पुत्र इसायास का देखा हुआ दिव्य दृश्य। आकाश सुनो, प्रेत भी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोल रहा है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, किंतु इसराइल नहीं जानता, मेरे प्रजा नहीं समझती। धिकार इस पापी राष्ट्र को, दोष से लदे लोगों को, अपराधियों की संतति को, पथभ्रष्ट पुत्रों को। उन्होंने प्रभु का परित्याग किया, इसराइल के परम पावन ईश्वर का तिरस्कार किया और उसे पीठ दिखाई। तुम विद्रोह करते रहो, तुम्हारे किस अंग पर और प्रहलाद किया जाए, तुम्हारा सारा सिर घायल है,
तुम्हारा हृदय जुड़ गया है। सिर से पैर तक कोई स्थान स्वस्थ नहीं रहा, केवल चोट सार और रक्त पाते घाव उनका न तो मवाद पोछा गया, न उन पर पट्टी बांधी गई और न तेल लगाया गया। तुम्हारा देश उजाड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर जलाए गए हैं, विदेशी तुम्हारे सामने ही तुम्हारी फसलें खाते हैं। तुम्हारा देश मानव शत्रुओं द्वारा उजाड़ा दिया गया है। सियोन की पुत्री रह गई है डगबारी में झोपड़ी की तरह, ककड़ी के खेत में मचान की तरह, सेना से घिरे नगर की तरह। यदि विश्वमंडल के प्रभु ने हमें कुछ लोगों को नहीं बचाया होता तो हम सोदोम और गोमोरा की तरह पूर्ण रूप से नष्ट हो गए होते। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्रकीर्तन के लिए खड़े हो जाए। जिन बातों के विषय में आप लोगों ने लिखा है उन पर मेरा विचार यह है, स्त्री से संबंध नहीं रखना पुरुष के लिए उत्तम है, किंतु व्यभिचार की आशंका के कारण हर पुरुष की अपनी पत्नी हो और हर एक स्त्री का अपना पति। पति अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे और स्त्री अपने पति के प्रति। पत्नी का अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वह पति का है, और उसी प्रकार पति का भी अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वह पत्नी का है। आप लोग एक दूसरे को उस अधिकार से वंचित नहीं करें, और यदि ऐसा करें तो दोनों की सहमति से और कुछ समय के लिए, जिससे प्रार्थना का अवकाश मिले और इसके बाद पहले जैसे रहे। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान असंयम के कारण आप लोग प्रलोभन में डाल दे। मैं यह आदेश के रूप में नहीं बल्कि अनुमति के रूप में कह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सब मनुष्य मुझ जैसे हो, किंतु ईश्वर की ओर से हर एक को अपना अपना वरदान मिला है, एक को यह दूसरे को वह। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अब गई हमने
और सुने। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत लूकास द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार हमारे प्रभु ईसा मसीह के छे। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से जरीको का जा रहे थे और वह ठाकुओं के हाथ पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमारा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था, उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। उसके बाद वहां एक सामरी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके खावों पर तेल और अंकुरी डालकर पट्टी बांधी। तब उसे अपनी ही सवारी पर बिठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ और खर्चा हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारे राय में उन तीनों में कौन ठाकुओं के हाथ पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईसा मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हमने चारों पाठों को सुन लिया है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 1 में हमने देखा था इस्राएल लोगों के बारे में, इस्राएल जनता के पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जीवन में एक प्रतिज्ञा शब्दपूर्ण वचन ईश्वर देते हुए उसकी संतानों को आशीष करते हैं। उस वचन के आधार पर इसराइली लोग मिस्र की दासता से प्रतिज्ञात देश की ओर चलते समय मूसा द्वारा उनके लिए नियम देता है, संहिता देता है। संहिता देने के बाद उस प्रतिज्ञात देश की ओर ले जाने के लिए रास्ता दिखा रहा है। हम कई सालों की बाद की बात है, यशायाह ग्रंथ इसराइली लोगों के बारे में कहता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक को की नाम जानता है, किंतु इसराइल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। ईश्वर की बहुत प्यार अनुभव करने वाला एक जनता है इसराइल जनता। ईश्वर ने उनके साथ रहा, उनकी मुसीबत में उनके साथ में रहा। मरुभूमि में चलते समय उन्हें पानी दिया, खाना दिया। जब समुद्र के पास था उसके लिए समुद्र को, पानी को सुखाकर उसके लिए रास्ता बना दिया था।
आसमान में अग्नि के स्तंभ के रूप में ईश्वर उसके साथ चलते थे। इतने प्यार दिए हुए एक जनता दुनिया में नहीं है, फिर भी इसे नबी उनको चेतावनी देता है। गदहा के उतना भी बुद्धि इसराइल जनता नहीं दिखाते हैं। अपने मालिक को विश्व मंडल के प्रभु ने इतनी प्यार करने के बाद भी इंसान ईश्वर की बाधाओं को निभाने के लिए ध्यान नहीं देते, हर तरह के अधर्म करते हुए इसराइली बिगड़ते जा रहा है। और बैल की बराबरी करते हुए इसे आ कहता है, क्योंकि हम जानते हैं बैल बलि चढ़ाने के लिए या उसको मांस के रूप में काट कर इसको जीवन थोड़ी समय के लिए ही इस दुनिया में होते हैं, उनको कोई नियम कानून रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैल में भी जितना बुद्धि अपने मालिक का पहचानता है, उतना तक इसराइली जनता अपना ईश्वर को, अपने साथ चलने वाले इसराइल ईश्वर को नहीं पहचानते। हम लोग जानते हैं सदोम गोमोरा को ईश्वर ने नष्ट करता है। इसराइली लोग इतनी अपराध किया है, ईश्वर के नियमों को, संगीता को उल्लंघन करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए वो लोग खुद ही बोलता है, विश्व मंडल के प्रभु ने कुछ लोगों को नहीं बचाया होता तो हम सदोम और गोमोरा की तरह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाया गया होता। हमने तीसरा पाठ में पारिवारिक जीवन के बारे में, क्रिस्तीय जीवन के बारे में बताया, सुना है। ईश्वर का उलाहट स्वीकार करने के बाद हरेक व्यक्ति अपने अपने इच्छा या वासना को तृप्त करने के लिए नहीं, बल्कि सुयोग के रूप से एक बलि के रूप में अपना जीवन को बिताने के लिए संत पौलुस आह्वान करता है। संत पौलुस एक जगह पर कहता है, सब कुछ अच्छा है लेकिन सब कुछ हितकर नहीं है। हमें अपने आप को ईश्वर के साथ जो संबंध है, प्रतिज्ञा है, हमको याद रखना चाहिए। अपना इच्छा को पूरा करने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे चीज कर सकता है, लेकिन हम कई सारे चीजों को छोड़ता है, क्योंकि हम ईश्वर का प्रिय संतान है। ईश्वर का संतान रहने के लिए हमें जो बुलाहट मिला है उसके अनुसार हमारा व्यवहार को संतुलित और ईश्वर में आधारित रखने के लिए संत पौलुस हमें कहता है। आज के सुसमाचार में अच्छा समारी के बारे में एक वचन हमने सुना है। उस वचन में कहता है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी बुद्धि से प्यार कर, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। ये पूरा संहिता है। इस संहिता में दो चीजें, हम ईश्वर के प्रति हमारा क्या भक्ति अटूट हो, और उसी तरह ईश्वर के संतान इंसान को हम प्यार करें। दुनिया भर के सभी लोगों को ईश्वर ने अपना संतान बनाया है। हम हर एक के कर्तव्य है, हम दूसरों का पड़ोसी बनना चाहिए। हमारा क्रिस्तीय जीवन तभी सार्थक बनता है, हम सच्चे दिल से दूसरों को प्यार कर सकता है। क्रिस्तीय जीवन इस कोरोना के समय में भी हमारे लिए ये आह्वान करता है, हम ईश्वर में भक्ति में लीन रहें और हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को देखें, उनकी समस्याओं में, उसकी ज़रूरत पर हम भी खड़े हो जाएं। प्रभु हमें वफादार रहने के लिए, ईमानदारी से जीने के लिए कृपा प्रदान करें। हमारा क्रिस्तीय जीवन सार्थक बनाने के लिए हम ईश्वर की वचन को पालन करते हुए, ईश्वर को पूरे हृदय से प्यार करते हुए, दूसरों को भी प्यार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रभु हम हर एक को अनुग्रह प्रदान करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु
दया कर। हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलिसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह के समस्त कलिसिया के संपूर्ण परमाध्यक्ष पोप फ्रांसिस के लिए, हमारे कलिसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष और पिता मार जॉर्ज, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार जोसेफ के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी भेड़ों के पापों के क्षमा प्रदान कर। हे सब के प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वथा आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद, प्यारे भाई और बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सावित्र कलीसिया तेरी है, बहुत रे मसीह के कड़ो और दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त करो करे बड़े हैं। पवित्र आत्मा तेरे महिमा महेश्वर के साथ एकता तुड़े, उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिताइयों की श्रेणियों के अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपने सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु तू अपनी दया हमें पूर्ण कर दे, हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर, तेरी दिव्य कृपा हम पर और चुनी भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु हमें वरदे के हम सदा मिलजुल कर सत्कारी संतोष प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें, तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति कृतज्ञ और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वथा आमीन। जो स्नान संस्कार स्वीकार कर चुके हैं और जीवन की मुद्रा से अंकित है, वे भक्ति और ज्ञान से पवित्र रहस्य में भाग ले।
Yeah.
करे, शांति हमारे साथ रहे। अपने वृत्त प्रति धर्मदक्ष तथा धर्मदक्ष याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सदा प्रभु ईश्वर अग्नि इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों की साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञ और आराधना पित करते अब सदा और सर्वथा। और आपको भी भाई और बहनों मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चतापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दे और उससे निवेदन करें। आप दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए या जब प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करे। शांति हमारे साथ रहे। Bye.
स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्वयं ईश्वर है, तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य, तेरे दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरदा से संपन्न आत्मा के सामने शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बिना स्त्री से जन्मा और नियम के दिन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के दिन रहा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में ऐसे में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली स्वर्ग की ओर, हे पूज्य पिता तेरी और आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए भांडा जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब पीओ। जब तुम मेरे नाम रहित हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवा तेरे सानिध्य में एकत्रित हुए हैं। तूने पर इतना उपकार किया जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया, तूने पतितों को उद्धार किया, अमृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, अपराधियों को मोचित किया, तूने हमारे बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपने प्रचुर प्रभाव से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना प्रति करते हैं अब सदा और सर्वथा। शक्तिमान ईश्वर हमारे जगत गुरु समस्त कलेशों के परमाध्यक्ष लोके संपूज्य फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलेशिया के पिता और मुख्य मेजर आर्चबिशप जॉर्ज के लिए, हमारे धर्माधीश जोसेफ के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलेशिया के लिए, याजकों समर्पित हो हम लोक धर्मी प्रेरितों शासकों और अधिकारियों के लिए ये बलिदान स्वीकार करें। तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हो ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरे शिक्षा अनुसार हमें शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणों में तेरे असीम और अनेक वास है ईश्वरदा कुमारी मरियम रत्र का पापा सभी धार्मिक एवं पौत्र पिताओं का भी पावन स्मरण है। हमें जीवन भर अपने सुख शांति प्रदान कर। सभी भूवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र को ही
मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और हमारे यीशु ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्य, धर्माधीक्षों, याजकों और वियाजकों की तथा पावन शरण संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र व सार्थक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, मैं तेरे दुर्बल व विनम्र सेवक तेरे पुत्र नाम रेखक होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दफन और पुनरुत्थान के महान के वीर पवित्र जीवनदायी दिव्य सिंह के स्मरणों से आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों के लिए विराजे और सिंह रहेदार पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा मैं प्राप्त होगी माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। Thank you.
बैठ सके। हे प्रभु हम लोगों में मेरकांता विधिगत हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे, हमारे जीवन तेरे शब्द की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुख तेरा गुणगान करे, तेरी सलीब हमारी कवच बने। हे प्रभु तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार का इस आदेश के साथ तूने जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने हम योग्य बन जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु तुझसे बचा, क्योंकि सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है, आमेन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से में बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज दे रहा है, शक्ति दे रही है, प्रभुत्व दे रहा है अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। ये प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है, एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो, आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुति गान करे, कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दादा प्रभु यीशु मसीह की कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा, आमीन। भाइयों और बहनों कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। शीतल घर को प्यासा
से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाए। हे प्रभु, यह उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्य में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमा में ईश्वर का सदा स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। ये सब के प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्ति दाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर दान मोनरेक ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें ये वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। विपत्तियों से मोचित हो।